कुकिंग फन में स्वागत दोस्तों। पके कद्दू का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी, लाजवाब व हेल्थी होता है। इसे बनाना बेहद ही आसान है। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। कद्दू का हलवा कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज होती है, साथ ही साथ इस वीडियो में टिप्स ही बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, कद्दू का हलवा बनाते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक कद्दू लिया गया है और इसे जो है काट दिया जा रहा है। दोस्तों कद्दू जो ही हमारा पका हुआ है, एक कच्चा कद्दू होता है, ये पका हुआ कद्दू है। पके हुए कद्दू का यहाँ पर हलवा बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये कद्दू हमारा काट दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके जो है बीजे जो है काट कर निकाल दिए जाएंगे। इसे छीलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके जो है छिलके में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे छीलना नहीं है, इसका छिलका भी खाया जाता है, इसे छीला नहीं जाता है। तो इसे जो है हम लोग काट देंगे, और काटने के बाद इसे जो है इसके जो बीजे हैं, सिर्फ इस बीजे को हम लोग को आसानी से निकाल देना है। तो यहाँ पर बीजे जो है निकाल दिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे जो है काट दिया जाएगा महीन महीन। इसे जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट चुका है। अब इसे हम लोग उबालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर छिलके जो इसके छीले नहीं गए हैं, और इसे जो है उबाला जाएगा। दोस्तों ये अलग ट्रिक होती है बनाने की, यहाँ पर कई ट्रिक से बनाया जाता है। यहाँ पर ये जल्दी ही लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे जो है कुकर में चढ़ाकर इसे जो है उबाला जाएगा। तो यहाँ पर पानी डाल दिया गया है। पानी के बाद दोस्तों इसे जो है 2 सीटी तक हम लोग उबालेंगे। तो यहाँ पर इसे जो है हम लोग कुकर पर चढ़ा दिया गया है। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ये हमारा 2 सीटी हो जाएगी। उसके बाद इसे हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे और पानी इसका दोस्तों अलग कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कद्दू हमारा पक चुका है। आप इसे जो है बिना कुकर के भी उबाल सकते हैं। जब ये हमारा बिल्कुल उबल जाए तब इसे हम लोग को भूनना है, इसका पानी ख़त्म करना है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई डालकर, कढ़ाई में डालकर इसे जो है पानी इसका ख़त्म किया जाएगा, भूना जाएगा। यहाँ पर भट्टी की आँच हमारी नॉर्मल है और इसे जो है भूना जा रहा है। तो ये लगभग 3 से 4 मिनट के बाद इसका पानी जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा बिल्कुल महीन हो जाएगा। आप चाहे तो इसे हाथ से भी महीन कर सकते हैं। यहाँ पर इसे जो है चम्मच से ही महीन कर दिया जा रहा है। इसका पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो है देसी घी डाला जा रहा है। इसे जो है देसी घी के साथ भूना जाएगा। दोस्तों इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खोया डाला जाएगा, इसलिए यहाँ पर दूध नहीं डाला गया है। आप दूध भी डाल सकते हैं, इसे दूध में भी उबाला जाता है। यहाँ पर देसी घी डालने के बाद दोस्तों इसे जो है भूना जाएगा देसी घी में। पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, जो थोड़ा बहुत पानी है वो घी के साथ हमारा ख़त्म हो जाएगा और भून जाएगा अच्छी तरीके से। बहुत ही टेस्टी लगेगा भूनने के बाद। अब इसमें दोस्तों जब हमारा ये भून गया, लगभग 2 मिनट तक भूना गया देसी घी डालकर, अब इसमें जो है चीनी डाली गई है लगभग 1 कटोरी डालकर, इसे जो है हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये लगभग 1 से 2 मिनट के बाद ये हमारी चीनी भी गल जाएगी। फिर इसमें हम लोग दोस्तों मेवा डालेंगे। तो यहाँ पर इसे जो है अच्छी तरीके से भूना जा रहा है और इसे जो है चीनी को गलाया जा रहा है। लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद ये चीनी भी हमारी गल जाएगी। अब इसमें हम लोग मेवे डालेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाला गया है, यहाँ पर काजू गरी और बादाम डाला गया है। आप ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दिया गया है। ड्राई फ्रूट डालने से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा और बहुत ही हेल्थी हो जाता है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालने के बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट तक चलाया गया। अब इसमें हम लोग दोस्तों खोया ऐड करेंगे। खोया यानी मावा, ये दूध से घर पर ही बनाया गया था। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं खोया, तो इसे जो है लगभग 1 से 1.5-2 मिनट तक गर्म कर लें, फिर इसमें डालें ताकि अच्छी तरीके से खोया हमारा भुन जाए। ये तुरंत ही ताज़ा ताज़ा बनाया गया था। अब इसे जो है खोया डाल दिया गया। अगर आपके पास खोया नहीं है दोस्तों, तो आप इसमें दूध डालकर पहले पानी की जगह दूध में उबाल सकते थे। अब यहाँ पर दोस्तों इसे जो है खोया मिलाया जाएगा, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक चलाया जाएगा। ये हमारा रेडी हो जाएगा खाने लायक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है गर्मा गर्म खाने के लिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक बार इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा रेडी हो चुका है, ये कद्दू का हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रेसिपी ज़रूर डालूँगा। और मैं इसी तरीके से ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।